हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको मेडी की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। तो उसके लिए मैंने 2 मीटर कॉटन का कपड़ा लिया है और इस कपड़े की वेथ है 44 इंचेस। और मेरे चैनल और वीडियो से रिलेटेड सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो सबसे पहले मैं बैक पार्ट की कटिंग करूंगी। तो बैक पार्ट के लिए मैंने कपड़े को इस तरह से विड्थ वाइज फोल्ड किया है और सिंपल एक फोल्ड में मैंने करके रखा हुआ है इसको। अब यहाँ से फोल्डेड वाली साइड है और ऊपर पे मैंने पहले आधा इंच का मार्जिन ले लिया है और इसमें स्ट्रेट लाइन खींच दी है। इसके बाद यहाँ से नीचे को मैं इसकी लेंथ के लिए निशान लगा रही हूँ। तो मिडी की जो रेडी नाप है मेरे उसमें वो है 38 इंच की प्लस 1 इंच का मार्जिन नीचे से डबल फोल्ड करने के लिए। अब यहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ बाकी के मेजरमेंट्स के लिए। तो देखिए यहाँ पर ये फोल्डेड वाली साइड से अंदर को हमें शोल्डर्स के लिए निशान लगाना है। तो शोल्डर्स मेरे मेजरमेंट में है 6.5 इंच का। अब यहाँ से नीचे को आर्म होल के लिए निशान लगाना है तो वो भी मेरे मेजरमेंट में है 6.5 इंच का। तो 6.5 पे निशान लगा के इसको ऊपर स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। अब यहाँ पर हम बस्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो जितना भी आपका बस्ट साइज है आप उसको 4 से डिवाइड करें और आधा इंच की लूजिंग ऐड करें। जैसे कि मेरे मेजरमेंट में बस्ट साइज है 32 इंच का, उसको 4 से डिवाइड किया और आधा इंच की लूजिंग ऐड करी तो आया 8.5 इंच। तो 8.5 इंच पे मैंने यहाँ पे निशान लगाया और इसको आर्म होल वाले पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया। अब कमर के लिए निशान के लिए ऊपर से आप यहाँ पर 14 इंच पे एक निशान लगा लें। छोटे साइज़ के लिए 14 इंच और बड़े साइज़ के लिए 15 इंच पे आप निशान लगाएं। तो मैंने यहाँ पे 14 इंच के लिए लगाया है। अब यहाँ पर हमें कमर का मेजरमेंट लेना है। तो जितनी भी आपकी कमर है आप उसको 4 से डिवाइड करें और आधा इंच की लूजिंग ऐड करें। जैसे कि मेरे मेजरमेंट में कमर है 28 इंच की, तो उसको 4 से डिवाइड किया और आधा इंच की लूजिंग ऐड करी तो आया 7.5 इंच। तो 7.5 इंच पर मैंने निशान लगा लिया है। अब इस कमर वाले पॉइंट को बस्ट वाले पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन से हमने ज्वाइन कर देना है। अब ये कमर के लिए हमने निशान लगाया है। अब इसके बॉटम के लिए निशान लगाना है। इसमें हिप क्राउन का निशान नहीं लगेगा, सीधे हम ये कमर वाले को नीचे बॉटम में स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे। तो ये बॉटम पार्ट की जो विड्थ है वो मैंने यहाँ पर 13.5 इंच की ली है। आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, 14, 15, 16 इंच, जितना ज़्यादा आपको घेर चाहिए आप उतना ले सकते हैं। अब ये कमर वाले को नीचे कोने पर स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया है। अब यहाँ नीचे कोने पे हमें ऊपर को 2 इंच पे करीब एक निशान लगा लेना है और इस निशान को यहाँ पे फोल्डेड वाली साइड में हल्का सा घुमाव देते हुए ज्वाइन कर देना है ताकि मेडी के साइड में से कोने ना निकलें। अब यहाँ साइड में 1 से 1.5 इंच का मार्जिन हमें ले लेना है। तो पूरा बॉटम तक आप मार्जिन यहाँ पर निशान लगा लें मार्जिन के लिए। अब यहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ नेक लाइन और आर्म होल के लिए। अब यहाँ पर हमें बैक का आर्म होल कर्व बना लेना है। तो ये मैंने आर्म होल कर्व बना लिया है। अब नेक विड्थ के लिए यहाँ से अंदर को 3 इंच पे मैं एक निशान लगा रही हूँ और नेक की जो डीपनेस है वो मैं बैक नेक की डीपनेस 4 इंच की रख रही हूँ। अब हमें इसकी नेक लाइन बनानी है। तो उसके लिए आप यहाँ पे एक बॉक्स का शेप बना लें और फिर राउंड नेक का शेप बनाएं और ये नेक लाइन बन गई है। अब ये आर्म होल वाली लाइन पे नीचे आधा इंच पे एक निशान लगा लेना है हमें और इसको नेक विड्थ वाले पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। ये शोल्डर स्लोप हो गया और शोल्डर स्लोप में हमें आधा इंच का मार्जिन ले लेना है सिलाई में जो दबेगा उसके लिए। और इसके आर्म होल में मैं कोई मार्जिन नहीं ले रही हूँ, आप चाहो तो 0.25 इंच का मार्जिन ले सकते हो। तो अब हमें सेम मार्किंग के ऊपर ही इसकी कटिंग कर देनी है। तो देखिए इसकी कटिंग मैंने कर दी है मार्किंग के ऊपर और बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग करूँगी। तो उसके लिए मैंने कपड़ा लिया है और कपड़े को मैंने सिंगल एक फोल्ड में करके इस तरह से रखा है जैसे हमने बैक वाले को फोल्ड किया था। और यहाँ से फोल्डेड वाली साइड है और फोल्डेड वाली साइड में मैंने यहाँ पर देखिए 1.5 इंच पे एक निशान लगाया है और इसको नीचे तक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया है। ये मार्जिन हमारा प्लेकेट के लिए है और ये मैंने यहाँ पे फोल्डेड वाली साइड में लिया है। आप चाहें तो यहाँ पर ये ओपन वाली तरफ पे भी इसको ले सकते हैं, दोनों में से कहीं भी ले लें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे, लेकिन मैंने यहाँ फोल्डेड वाली साइड में लिया है। अब हमें अपना बैक वाला पार्ट लेना है और उसको कपड़े के ऊपर रख देना है। ध्यान रहे कि जो लाइन हमने अभी 1.5 इंच पर खींची थी यहाँ पर हम कपड़ा रखेंगे, वो जो 1.5 इंच का मार्जिन है उसको इंक्लूड नहीं करना है। तो बैक वाले पार्ट को अच्छे से आप इसके ऊपर प्लेस कर दें और ये जो नेक लाइन है इसको हम कट नहीं करेंगे। यहाँ पे सिर्फ नेक विड्थ के लिए आप निशान लगा लें एक और बाकी को सेम इसी मेजरमेंट के ऊपर हमें कट कर देना है। तो देखिए मैंने सेम मेजरमेंट के ऊपर नेक लाइन छोड़ के बाकी पूरे को कट कर लिया है। अब ये जो बचा हुआ कपड़ा है साइड से थोड़ा सा, इससे हम इसकी नेक लाइन और ये प्लेकेट की पट्टी बनाएंगे।
तो अब मैं बैक वाले पार्ट को हटा दे रही हूँ। फ्रंट वाला जो पार्ट है उसमें हमें यहाँ पे फ्रंट का आर्मो थोड़ा सा आधा इंच का डीप कर लेना है और फिर इसकी भी कटिंग कर लेनी है। इसके बाद हमें यहाँ पे नेक लाइन बनानी है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देती हूँ। तो ये देखिए नेक विड्थ यहाँ पर 3 इंच की थी, तो 3 इंच पे ही निशान लगाया है। और जो नेक की डीपनेस है वो मैं यहाँ पर 6.5 इंच की ले रही हूँ, तो 6.5 इंच पे निशान लगाया है। अब इन दोनों को हल्का सा वी शेप देते हुए हमें इसको ज्वाइन करना है। देखिए ये मैंने ज्वाइन कर लिया है। अब ये जो मार्जिन वाला हिस्सा है इसमें अभी मैं फ़िलहाल स्ट्रेट ज्वाइन कर रही हूँ, बाद में जो इसका शेप देना होगा वो मैं थोड़ी देर बाद दूंगी सिलाई के टाइम पे। अब सेम मार्किंग के ऊपर ही हमें इसकी नेक लाइन को कट कर लेना है। तो ये नेक लाइन कट हो गई है। अब ये जो फोल्डेड वाली साइड है इसको भी हमें कट करके ओपन कर लेना है। तो इस तरह से हमारे फ्रंट के दो पार्ट्स बनके तैयार हुए हैं और ये ओपन होने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। तो दोनों पार्ट्स को मैंने इस तरह से फैला के यहाँ पर रख लिया है। और ये जो साइड आप देख सकते हैं ये कपड़े की सीधी तरफ है, और यहाँ पर जो 1.5 इंच का मार्जिन था वो मैंने सीधी तरफ पे कपड़े के निशान लगा लिया है। और अब आपको क्या करना है कि आप इसकी जो नेक लाइन वाली है यहाँ पर आएँ, कपड़े को सीधी तरफ को करने के बाद आप इसकी नेक लाइन वाली साइड पर आएँ, और जो आपका राइट हैंड साइड वाला पार्ट है जो आपके बॉडी के राइट हैंड साइड में आएगा वहाँ पर के कपड़े को हमें यहाँ से ट्रिम कर देना है। तो ये जो लाइन हमने खींची थी इससे आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमें इसको ट्रिम करना है। तो देखिए आधा इंच का मार्जिन मैंने छोड़ा और फिर इसको पूरा नीचे बॉटम तक इसको ट्रिम कर लेना है। तो देखिए मैंने इसको ट्रिम कर लिया है। और जो ये लेफ्ट हैंड साइड वाला है इसको हम ट्रिम नहीं करेंगे, ये ऐसा का ऐसे ही रहेगा, ताकि जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हमारा प्लेकेट बन जाएगा बाद में यहाँ पर, इसलिए इसको ट्रिम नहीं करेंगे हम। अब यहाँ पर ये जो नेकलाइन वाला है यहाँ पर मैंने हल्का सा राउंड शेप इसको दे दिया है, वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था तो इसलिए मैं आपको खाली बता दे रही हूँ कि यहाँ पर हमें नेकलाइन के लिए मार्जिन पे हल्का सा राउंड शेप दे देना है इस तरह से, देखिए घुमाव देते हुए। अब हमें इसमें पट्टी लगानी है इसकी नेकलाइन में, तो उसके लिए मैंने बचे हुए कपड़े से पट्टी बनाई है। और इसकी जो विड्थ है वो लगभग 2 इंच की है और इसकी जो लंबाई है वो मिडी की लेंथ की जितनी है। अब हमें पट्टी को मिडी की राइट साइड के ऊपर इस तरह से पूरी नेक लाइन में रखना है बॉटम से, और फिर इसमें आधा इंच की दूरी पे सिलाई लगानी है। सेम इसी तरह से दूसरी पट्टी भी लेनी है 2 इंच चौड़ी ही, और इसकी दूसरी तरफ पे रख देनी है, और दोनों साइड्स में हमें आधा आधा इंच की दूरी पे इसमें सिलाई लगा लेनी है। तो इसकी नेक लाइन से नीचे बॉटम तक मैंने दोनों तरफ पे आधा इंच की दूरी पे सिलाई लगा दी है। अब ये जो नेक लाइन वाला पोर्शन है यहाँ पर हमें छोटे छोटे से कट्स लगाने हैं, ताकि जब हम इसको फोल्ड करें तो झोल ना आए। तो यहाँ पर आप थोड़े थोड़े से कट्स लगा लें जहाँ पर भी राउंड वाला साइड है वहाँ पर। और कट्स लगाने के बाद हमें इस कपड़े को जो हमने पट्टी ज्वाइन करी थी इसको पीछे की तरफ को फोल्ड कर देना है बैक साइड को। तो पूरा बॉटम तक दोनों तरफ पे हमें कपड़े को पीछे की तरफ को फोल्ड कर देना है, और उसके बाद आप इसमें प्रेस कर दें ताकि इसमें अच्छे से फिनिशिंग आ जाए। देखिए यहाँ पर मैंने प्रेस कर दी है और नेकलाइन में अच्छे से फिनिशिंग आ गई है। अब ये जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट है हमारा, ये लेफ्ट हैंड साइड वाले के ऊपर जो हमारा यहाँ पे थोड़ा सा कपड़ा बचा था मार्जिन जो हमने लिया था 1.5 इंच का, उसके ऊपर ये यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। और इस तरह से रखने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा यहाँ पर प्लेकेट भी बन के तैयार हो गया है। अब मैं बैक वाला पार्ट ले रही हूँ और बैक वाले पार्ट के नेकलाइन में फिनिशिंग देनी है, तो उसके लिए मैंने उरेब पट्टी ली हुई है और उसको इसकी नेकलाइन पे इस तरह से हमें यहाँ पे मिलाते हुए रखना है, और इसकी नेकलाइन में भी सिलाई लगा देनी है, और उसके बाद इसको पीछे को करके डबल फोल्ड कर देना है। तो देखिए मैंने इसकी नेकलाइन यहाँ पर बना दी है, और ये देखिए डबल फोल्ड करके अच्छे से नेकलाइन में फिनिशिंग दे दी है। अब हमें इसमें फ्रंट वाला पार्ट ज्वाइन करना है, तो उसके लिए आप फ्रंट के दोनों पार्ट्स को बैक वाले के ऊपर इस तरह से यहाँ पे पलट के रख दें, और यहाँ पर ध्यान रहे दोनों की सीधी तरफ एक दूसरे की ओर मुंह करते हुए होनी चाहिए। अब हमें इसके शोल्डर्स ज्वाइन करने हैं, तो दोनों शोल्डर्स में आप इसके सिलाई लगा लें, और तो यही मैं आपको सिलाई लगा के दिखाती हूँ। तो देख सकते हैं आप मैंने इसके शोल्डर्स में सिलाई लगा ली है। अब हमें इसके आर्म होल में फिनिशिंग देनी है, तो उरेब पट्टी से ही आप इसके आर्म होल में भी फिनिशिंग दे दें। देखिए इसके आर्म होल में भी मैंने सिलाई लगा दी है। अब इसकी जो साइड है यहाँ पर आप अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग बॉटम तक सिलाई लगा लें, और इसको सिलाई लगाने के बाद जो इसका नीचे वाला हिस्सा है राउंड वाला इसको भी हमें डबल फोल्ड करके गोलाई में सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसकी साइड में सिलाई लगा दी है अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग, और नीचे से भी इसके बॉटम को डबल फोल्ड कर दिया है।
अब यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड वाला पार्ट लेफ्ट हैंड साइड वाले के ऊपर रहेगा। देखिए यहाँ पर इस तरह से इसको ऊपर हमें रखना है और जितने तक भी आपको इसमें सिलाई लगानी है आप वहाँ तक सिलाई लगा लें। तो जहाँ तक भी मुझे सिलाई लगानी है मैं वहाँ पर तक इसमें निशान लगा ले रही हूँ चौक से, बाकी का हिस्सा मैं ओपन रखूँगी। और इसके बीचों बीच हमें ये जो फ्रंट वाला पार्ट है दोनों को मिलाते हुए सिलाई लगानी है। उसके बाद इसमें मैं डिज़ाइन के लिए यहाँ पर बटन लगा लूँगी। यहाँ पर सिलाई लगाने से पहले आप पेंसिल की मदद से एक निशान लगा लें ताकि हमको इसमें सिलाई लगाने में आसानी हो। तो देखिए यहाँ पर मैंने पेंसिल से निशान लगा लिया है और अब दोनों पार्ट्स को एक दूसरे के ऊपर रखना है हमें। और फिर यहाँ पर हमें जहाँ तक भी हमारी पेंसिल का निशान है वहाँ पर तक हमें इस कपड़े को रखना है दोनों पार्ट्स को और फिर इसमें सिलाई लगाते जाना है।